जाओ काए जाओ मुंडिया घुमाए जाओ अरे पुथिया हिलाए जाओ मौज मनाए जाओ। लगता है लड़के वाले आ गए, लज्जा लड़के वाले आ गए। अरे लड़का तो पाका लग रहा, मस्त जोड़ी जमेगी। ए लज्जो, मोहन भैया को जाके बताता हूँ। अच्छा है, आजा बेटा। आइए आइए शंभू सिंह जी, नमस्कार नमस्कार। आइए आइए आइए, लाओ भाई लाओ। अरे भाई स्वागत है आपका। नमस्ते भाभी जी, आओ बेटा, आइए आइए आइए, बैठिए। अरे अब निहारते ही रहोगे लोटा जी, नाश्ते पानी का इंतजाम करिए मेहमानों के लिए। अरे अरे संभल के लोटा चाचा। ये हैं जुगनी के लोटा चाचा। वैसे तो सब ठीक है, लेकिन गिरते पड़ते यानी लुढ़कते ही रहते हैं बस। देखो बताया नहीं ना। अरे सबता भाभी, मोहन भैया ने जुगनी बिटिया के लिए बड़ा खानदान ढूंढा है। रेख खुश रहेगी आपकी जुगनी। मोहनलाल जी, वैसे तो राजबीर को शहर में पढ़ाया है मैंने, लेकिन इसे गांव कभी भूलने नहीं दिया। खेती के साथ साथ राजबीर ने बड़ी मेहनत करके एक तबेला भी बनाया है। अच्छा। 5 गाय हैं और 10 क्रॉस ब्रीड होस्टेन के लिए बैंक से लोन भी पास हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। संकर गायों से तो तबेले की रौनक बढ़ जाती है और कमाई भी बढ़ जाती है। ठाकुर साहब, आप दोनों के पूरे संस्कार हैं बेटे। लाओ भाई लाओ, लीजिए लीजिए भाभी, लीजिए ठाकुर। धनतेरस से एक दिन पहले गौ पूजा वाले दिन मेरे राजवीर का जन्म हुआ है मोहनलाल जी। और तभी से गौ माता की कृपा से हमारे घर में दूध घी की नदियां बहती हैं। क्या अरे पूरी 15 गायों का तबेला है और लड़का भी एकदम गाय जैसे सीधा साधा लगता है। तेरी तो मौज है जुगनी। रेखा, लोटा चाचा को बता दो कि हमें गाय जैसा सीधा साधा लड़का नहीं चाहिए, बल्कि हमें तो चाहिए स्मार्ट गाय जैसा लड़का शादी के लिए। स्मार्ट गाय? अरे अंग्रेजी में ना गाय का मतलब होता है लड़का, समझे कि नहीं? अच्छा अच्छा, गाय छोड़ो, चाय पे ध्यान दो। चाय लड़के को पीनी है, कड़क चाय बननी चाहिए, मस्त है। ठाकुर साहब, इस साल बीए फाइनल का इम्तिहान दिया है मेरी बिटिया ने। घर के सारे काम काज में माहिर है, बस यूं समझ लीजिए कि मेरी बेटी अन्नपूर्णा है। पढ़ी लिखी बहू सबसे अच्छी है, बस हमारा राजवीर खेती संभाल ले और उसकी बहू तबेला, फिर तो हम राजवीर की अम्मा के साथ चार धाम की यात्रा पे निकल जाएंगे। ठाकुर साहब, ये जो लज्जो बधी हुई देख रहे हैं आप, इसका सारा कामकाज हमारी जुगनी बिटिया ही संभालती है। अरे लो आगे जुगनी बिटिया, आओ बेटा लीजिए चाय लीजिए। ठाकुर साहब को भी चाय दो बेटा लीजिए सर। ये घर के दूध की ही चाय है ठाकुर साहब, लीजिए। हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। क्या हुआ ठाकुर साहब? ये खराब दूध की चाय है। लेकिन दूध तो कीजिए, जिससे घर की एक गाय नहीं संभल रही है वो हमारे घर का तबेला क्या संभालेगी। चलो सब। ठाकुर साहब चलो, ठाकुर साहब चलो बेटा। ठाकुर साहब मेरी बात तो सुनिए। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी गाय को थनेला है, जांच करवाइए उसकी। थनेला? थनेला घर के अंदर और शंभू सिंह जी बाहर। अब थनेला क्या बवाल है ये तो डॉक्टर कवि सम्राट श्री विक्रम पांडे जी ही बता पाएंगे। ठाकुर
डॉक्टर साहब। नमस्ते, क्या हाल चाल? बढ़िया तो नहीं। अरे लोटा चाचा बैग नहीं लाएंगे हमारा। लो जी, श्री विक्रम पांडे जी का बैग कौन नहीं लाएगा भला? आपका नाम सुन के 50 गांव की गाय भैंसे दूध देने लगती हैं। अरे प्यार करते हैं हमसे क्योंकि हम भी ख्याल रखते हैं उनका। हाँ लोटा चाचा, ये सब यारी दोस्ती की बातें हैं, आपको समझ में नहीं आएंगी। आप बैग लेकर आइए। अभी लाता हूँ। आइए राज। हाँ मोहनलाल जी, क्या दिक्कत है बताओ बिटिया? डॉक्टर साहब, आजकल लज्जो का दूध 2-3 घंटे भी नहीं टिकता, सुबह का दूध दोपहर को खराब हो जाता है, देखिए ना। डॉक्टर साहब, शंभू सिंह जी का कहना है कि हमारी लज्जो को थनेला है, लेकिन यह थनेला बीमारी है क्या? लज्जो पिछले कई दिनों से दूध कम दे रही है। बताओ। हाँ। जी, उसका दूध जल्दी खराब भी हो जाता होगा। जी जी। ये मेस्टाइटिस यानी थनेला के लक्षण है, दूध में बैक्टीरिया ज्यादा हो जाने की वजह से दूध जल्दी खराब हो जाता है। शंभू सिंह जी इस बात को फौरन पहचान गए होंगे कि गाय की जांच की जरूरत है। हाँ, मगर इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है जी? क्योंकि थनेला जानलेवा है जी। कोई बात नहीं, अब हम डॉक्टर विक्रम लज्जो की जांच करेंगे। आइए। चलो भाई, देखो देखिए, ये है CMT किट, इससे अभी पता चल जाएगा कि मामला है क्या, आखिर लज्जो को थनेला है भी या नहीं। ये देखिए मोहनलाल जी, इससे साफ पता चलता है कि आपकी लज्जो को मेस्टाइटिस यानी थनेला हो चुका है। हे भगवान, अब ये नई बीमारी का पता चला है। अब हमें इसके बारे में कैसे पता चलता जी? बहुत आसान है जी, ये देखिए, ये है मेस्टाइटिस डिटेक्शन स्ट्रिप यानी जांच पत्ती, इसके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि आपके पशु को थनेला यानी मेस्टाइटिस है या नहीं। तरीका एकदम आसान है, इस पट्टी पर दूध की 2 बूंदें डाली, अगर इसने अपना रंग बदल दिया तो इसका मतलब आपके पशु को थनेला यानी मेस्टाइटिस हो चुका है, समझो। अरे डॉक्टर साहब, हमारी लज्जो को इससे कोई जान का खतरा तो नहीं है ना? धन्यवाद अदा कीजिए ठाकुर शंभू सिंह जी का कि समय रहते सब कुछ पता चल गया, अब हम लज्जो का इलाज करके उसे एकदम सही कर देंगे। अच्छा, थनेला में और क्या क्या होता है? लोटा सिंह जी, थनेला 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस, और अगर बीमारी ज्यादा बढ़ जाए तो क्लिनिकल मेस्टाइटिस या फिर क्रोनिक मेस्टाइटिस, जिनमें थन कड़क हो जाते हैं और उनमें सूजन भी आ जाती है। अब देखिए, यहाँ थनों को देखकर कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि बीमारी ने अभी तक पूरा जोर नहीं पकड़ा है, इसका मतलब लज्जो को है सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस। मतलब इसकी 2 ही पहचान है, एक तो दूध में कमी आना और दूध जल्दी खराब हो जाना, है ना? लोटा सिंह जी, सबको लगता है कि बहुत मामूली बात है, लेकिन इसी सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस की वजह से किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। यानी कि कम दूध होना और दूध जल्दी खराब होना, यानी कि कम आय पर ब्रेक। बिल्कुल सही पकड़ा आपने मोहनलाल जी, अगर समय पर इसका इलाज ना कराया जाए तो ये सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस या क्रोनिक मेस्टाइटिस में बदल सकता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक संक्रामक बीमारी है, तबेले में एक पशु से दूसरे को और दूसरे से पूरे तबेले को लग जाती है। अब देखिए शंभू सिंह जी, इतना बड़ा तबेला ऐसे थोड़ी चलाते, अब चूंकि उनके तबेले में संकर गाय भी है इसलिए उन्हें ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि संकर गायों को थनेला होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वो देखिए, शंभू सिंह जी भी आ गए। ठाकुर साहब। नमस्ते। मोहनलाल जी, अगर आज सुबह हम गुस्से में नहीं जाते तो आप थनेला की गंभीरता को ठीक से नहीं समझ पाते। बिल्कुल सही कह रहे हैं ठाकुर साहब, मगर इस थनेला बीमारी का इलाज काफी महंगा है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बाकी का इलाज जैसा ही है, बशर्ते बीमारी पहले से बड़ी ना हो। और थनेला का सबसे बड़ा इलाज है उसकी रोकथाम, भाई बस 8 बातों का रखो ध्यान और थनेला से बचो। विक्रम बाबू ने बिल्कुल ठीक कहा, और जुगनी तुम राजवीर को पसंद हो, ताकि हम चाहते थे कि 7 फेरे लेने से पहले
थनेला से बचने के कम 8 कदम तो ठीक से जान लो। और ये 8 कदम सबको याद रखना चाहिए। लोटा चाचा तैयार हो जाओ, आज शाम की चाय के साथ हम करेंगे कविता पाठ। हाँ तो शुरू करें। शंभु सिंह जी, मुछो पे अंटा रहेगा तबेले में ठाठ, और थनेले से बचना है तो याद रहे ये बातें आज। क्या बात है। पहला कदम, सफाई चमाचम। अपने तबेले के फर्श को रखिए साफ और सारे गड्ढों को दीजिए ढाम। दूसरी चाल जी, थनों की सफाई का रखें पूरा ख्याल जी, दूध निकालने से पहले भी और दूध निकालने के बाद भी। तीसरी बात, दूध निकालने में बस मिनट लगे 7, ये जरूरी है क्योंकि जिन हार्मोन्स की वजह से दूध थनों से निकलता है उन हार्मोन्स का असर थनों में सिर्फ 7 मिनट तक ही रहता है, और इस दौरान अगर पूरा दूध नहीं निकाला गया और थनों में दूध रह गया तो थनेले का बैक्टीरिया बन सकता है, इसलिए अगर देर हो गई तो फिर कहीं बहुत देर ना हो जाए। चौथा चौका, दूध निकालने के बाद 1.5 घंटे तक मत दो बैक्टीरिया को पनपने का मौका। भैंस को चारा खिलाओ या उसके आगे बीन बजाओ, मगर उसे लेटने मत दो, क्योंकि अगर वो लेटेगी नादानी में तो फिर बैक्टीरिया को मिलेगा मौका और आपकी कमाई जाएगी पानी में, समझे। पांचवी परंपरा, धो डालो हर बैक्टीरिया। दूध निकालने के बाद भी 1.5 घंटे तक थन खुले रहते हैं, इसलिए दूध निकालने के बाद पिचकारी चलाओ और थनों को थनेले से बचाओ। छठवां पायदान, थनेले का रखो पहले कदम से ध्यान। पशुओं को अपने तबेले में शामिल करने से पहले ही थनेले की जांच कराओ और समय समय पे जांच दोहराओ। सातवीं सलाह, जिस पशु को हो जाए थनेला उसे रखो सबसे दूर अकेला, सबसे बाद में उसका दूध निकालो और सही इलाज से उसे बचा लो। आठवां इशारा, खिलाओ अच्छा और संतुलित आहार वाला चारा। थनों की सुरक्षा के लिए यह है सबसे बड़ी दरकार, अगर दोगे संतुलित आहार तो फिर हर बीमारी पर होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता का करारा उपाय। तो समझे आप, अगर थनेला की बीमारी से बचना है तो इन्हीं 8 बातों का ध्यान रखना है।